दूरबीन के ऑपरेशन का मैजिक है। दूरबीन दूरबीन ही है, दूरबीन दूरबीन ही, दूरबीन वाला अच्छा रहता है। जयपुर में दूरबीन हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए, अच्छा काम हो गया। यूरिन के तो थैले वो बाहर निकलते थे, शायद बच्चेदानी भी निकलती होगी, बहुत सारा पार्ट बाहर निकल जाता था। अच्छा, सब कुछ बाहर? हाँ, सब कुछ बाहर आता। मैं खड़ी होती तो भी, चलती तो भी, मेरे को फील होता था। तो हम अलवर से आए, वहाँ मेरे को यहाँ के बारे में बताया, दूरबीन हॉस्पिटल, डॉक्टरों ने, दो तीन डॉक्टरों से राय ली मैंने, तो उन्होंने बताया जयपुर में दूरबीन हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए, अच्छा काम हो गया। कल आप यहाँ आए हो, कल आपका ऑपरेशन हो गया, और अब आज आपका पहला दिन है? पहला दिन है। अब आप, पहला दिन आपको कैसा लग रहा है? नहीं, सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। तकलीफ हो रही है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। दर्द हो रहा है? नहीं, दर्द नहीं। हम आपको जो बता रहे थे सब सही बताया हमने? हाँ, बिल्कुल सही बताया। कोई झूठ नहीं बोला हमने? नहीं, कोई झूठ नहीं बोला, बहुत अच्छी तरह से समझाया और बहुत अच्छी तरह से बताया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। मरीजों को कहते हैं ना, तो उसका कोई विश्वास नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, मरीज को संतुष्ट करना, वो आप में बहुत अच्छा गुण है। नहीं, अब आप ये देखो कि कल रात को कितने बजे ऑपरेशन खत्म हुआ आपका? 7 बजे, 7:30 बजे तो मैंने ऑपरेशन से मैं निकली हूँ, उसके बाद आपने शिफ्ट किया 8:30 तक, 8 बजे आप आते ही था मेरे को ठीक। लेकिन तब मैं जब वापस राउंड लेने, जब आप सो रहे थे, आपको शायद पता भी नहीं कि मैं आई थी, तब तो नहीं पता, आराम से आप सो रहे थे पूरी रात? आप तकलीफ रही कोई? नहीं, सोए आराम से? अब सुबह उठ के आपने चाय बिस्किट ले लिया? हाँ जी, ले लिया, पूरा ले लिया आराम से? आपको बैठने, अब आप आराम से बैठे हो? बैठने में कोई तकलीफ है? आराम से बैठे हो? अब आप घूमे नहीं हो? बाथरूम बाथरूम वगैरह भी गई आपसे? वो तो मैं घूमे नहीं, बाथरूम वगैरह भी गई, बाथरूम जाके आ गए? हाँ जी, अपने आप कपड़े भी चेंज के आ गए, कपड़े भी चेंज कर लिए, सब अपने अपने आप किया, सिस्टर ने नहीं, अपने आप किया, अपने आप कर लिया। तो आपको इन सब चीजों में कोई तकलीफ हो रही है? नहीं। तो वो जो लेडीज अपना ऑपरेशन पोस्टपोन करती रहती है कि मेरे को कौन उठाएगा, कौन बिठाएगा, कौन चलाएगा, उन सबको आप क्या कहोगे? नहीं, उन सबको कहूंगी कि अब कोई डरने की बात नहीं है, कोई किसी की जरूरत नहीं उठाने की, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप सब कुछ कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सिर्फ रात को 7 बजे ऑपरेशन हुआ, ये तो है। और अभी 10 बजे, अभी घड़ी में मतलब 9:15 हुए हैं, 10 भी नहीं बजे, मतलब पूरा एक दिन भी नहीं लगा डिस्चार्ज होने में। हाँ, पूरा एक दिन भी नहीं, और आपको सही होने में देखो ना, 12 घंटे में आप सही हो गए हो, बिल्कुल। वही तो है सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात है, इसी यही दूरबीन के ऑपरेशन का मैजिक है। दूरबीन दूरबीन ही है, दूरबीन दूरबीन ही, इसलिए हम दूरबीन की क्वीन है, क्वीन है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से डॉक्टर हमें, मरीज हमें कह के जाते हैं, यू आर द दूरबीन क्वीन, होई इसमें रियलिटी है। पहले जो ऑपरेशन हुआ था उसमें कैसा लगा था? एक साल पहले, फिर पहले भी ऑपरेशन हुआ था ना आपका? हां मैम, हुआ था। वो कौन सा ऑपरेशन हुआ था? बे वाला, हाथ वाला हुआ था। हाथ वाला हुआ था? हाथ वाले में आपको कितने दिन बाद छुट्टी मिली? 15 दिन बाद में। 15 दिन? 15 दिन आप अस्पताल में रहे? हाँ मैम। अरे बाप, फिर उसके बाद कितने दिन का परहेज बताया था? वो भाई 5-6 दिन बाद में चलने लग गई। 5-6 दिन बाद? देखो, वहाँ से इतनी इतनी तकलीफ है हाथ वाले ऑपरेशन में। हाँ मैम। और अब आप रात को ऑपरेशन हुआ है? बहुत अच्छा। कितने बजे निकले? 5 बजे उठे थे ना? हाँ। और ऑपरेशन के दौरान आपको तकलीफ हुई कुछ? कुछ भी नहीं हुई, आराम से, बढ़िया बढ़िया, बहुत ठीक। तकलीफ के ऑपरेशन के बाद कुछ नहीं हुआ? ऑपरेशन के बाद भी कुछ नहीं हुआ? एकदम बढ़िया बढ़िया, तकलीफ नहीं हुई, दर्द भी नहीं हुआ? तो ऑपरेशन से तो अभी तक डर रहे थे, मेरे पता नहीं क्या ही हो जाएगा, फिर अब कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब सही है, सब ठीक है। और ऑपरेशन के बाद अब सुबह कितने घंटे हुए? 12 घंटे? 13 घंटे हुए। इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम हुआ, 5 बजे से 8-9 बज रहे हैं, तो आराम से चल फिर पा रहे हैं। अब सुबह से कितने बजे घूमने लग गए थे? कितने बजे उठ गए थे? 8 बजे। 8 बजे से घूम रहे हो, बढ़िया। चाय बिस्किट ले लिया? ठीक है, एकदम सही। तो अब हाथ वाला ऑपरेशन कराए सब लोग या दूरबीन वाला? दूरबीन। क्यों? दूरबीन वाला सही रहता है, अस्पताल में रहने को मिलता है ना, कितनी अच्छी बात है, दूरबीन वाला अच्छा रहता है। चलो बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपने देखा कि हमारे दोनों मरीज जो हमने कल ऑपरेशन किए थे, अभी सुबह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं आराम से, और एक ऑपरेशन जो उन्होंने पहले करा रखा था हाथ वाला, उनकी 15 दिन में छुट्टी हुई थी, और अभी वो 15 घंटे में चलने फिरने लगी है। तो दिस इज़ द मैजिक ऑफ लेप्रोस्कोपी और दूरबीन। तो आराम से अब आपको पता चल गया है कि लेप्रोस्कोपी सर्जरी कराने के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो डेफिनेटली यू कैन चूज़ नाउ योर ओन योर सेल्फ बेटर। थैंक यू।